वो असद उमर जो एमरेट्स एयरलाइंस की बिजनेस क्लास नहीं फर्स्ट क्लास में फ्लाई करता था और जो फोर सीजन की स्वीट्स में जाके ठहरता था वो कैदी वैन बारह घंटे उसमें क्यों सफर कर रहा था और राजनपुर के जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैद तनाई क्यों क्यों काट रहा था <laughs> सुना तो मैं आपको कह सकता हूँ मेरे सामने किसी मीटिंग के अंदर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि कहाँ हमला करना है या नहीं करना है ऐसा कोई इनफैक्ट उस दिन मैं शाह कुरेशी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि वो ऐसे ही होता ना को, कोई बड़के मारने का किसी बंदे को शौक़ होता तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कोई नॉन सीरियस नहीं बोला मेरे सामने नहीं बोला गया था सर... आपके ख्याल से वॉट वेंट रॉन्ग मतलब खान साहब और इस्टबलिशमेंट के दरम्यान लाइक डू यू थिंक इट्स यानी वो रशिया वाली एक स्टोरी है जनरल फैज़ वाली स्टोरी है आपने ज़रा बड़ा क्लोजली काम किया उनके साथ आपका क्या अनालस है फ़रवरी में पहली दफ़ा मुझे याद है कि मीटिंग हुई जिसमें खान साहब ने हमें कहा कि गेव हिंट उस उसको भी बहुत ज्यादा तसील नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है तो उनके पास जाए इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा रिपोर्ट करती थी उनको पता होगा शायद शायद क्या ज़रूर पता होगा ज्यादा तसील का पता होगा वो वज़ीर जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर कुछ एक्सपर्टीज़ रखते थे जो मेहनत करने के लिए तैयार थे उनको साथ बिरग्रसी बिल्कुल ठीक काम करती थी और चले दूसरों को छोड़ देते हैं और आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकालने का आपके ख्याल से क्या वजह थी आपको मूव करने का सबसे तो पूछे मुझे क्या लेकिन वो अगेन बाजवा साहब का बहुत ज़्यादा नाम आता है वोट लोगों ने इमरान खान को दिया था किस तरह वोट नवाज शरीफ को मिलता है मुस्लिम लीग उन्होंने को नहीं मिलता वोट जो है वो पी को नहीं मिलता वोट इमरान खान को मिलता है लोग अकाउंटेबिलिटी और जो डिमांड करते हैं वो इमरान खान से करते हैं अच्छा होता है तो इमरान खान की तारीफ होती है बुरा होता है तो इमरान खान की देखिए पीटीआई का फ्यूचर जो है सियासी पार्टी का फ्यूचर जो है वो डिसाइड करती है everyone, हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं सामवान आई थिंक अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें कुछ सीन वॉइस आपको पाकिस्तान में भी, भी नजर आती हैं और पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी भी इनके आसपास चली तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट द लास्ट ऑफ फ्यू मंथ्स इन पाकिस्तान और ड्रास्टिक चेंज जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आया क्या हुआ कैसे हुआ एंड वट्स द फ्यूचर थैंक यू सो सो मच अस्ता सबसे पहले मुझे बताया मेरे पास सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं बट हाउ आर यू एक्चुअली फीलिंग राइट नाउ मैं ठीक ठाक हूँ मैं आजकल जो है सबको बताता हूँ कि मैं सेहत कर रहा हूँ तो क्योंकि दरिया पहाड़ वहाड़ तो पाकिस्तान के सारे देख लिए थे तो आज कल मैं जो सेहत कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की अदालतों की सेहत कर रहा हूँ सात मुख्तलिफ मख्तलफ़रस्डिक्शनस चार मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स दो दहशत गर्दी की मख्तल अदालतें सेशन कोर्ट्स तो आज कल ये करते तो मूड जो है वो उसके साथ चलता है जज साहब जो है ज़रा बातें ख़तरनाक करेंगे या बेल डिसमिसल एकदम से हो जाएगा तो ख़राब हो जाता है बट आज सुबह बेल ग्रांट हो गई तो मूड अच्छा हो गया सही बट वो यू एक्सपेक्टिंग कुछ इस तरह की चीज़ लाइक इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से सिक्स मंथ्स बैक सिक्स मंथ्स बैक यस बट लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई जब साढ़े साल पहले आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के सियासत ज्वाइन की थी डिड यू एक्सपेक्ट के आपके पास दो दर्जन से ज़्यादा मुकदमे होंगे चार दफ़ा आपकी वारंट गिरफ्तारी इशू होंगे दो दफ़ा आपको जेल में डाला जाएगा नहीं दैट आई डेंट एक्सपेक्ट लेकिन हाँ छः महीने पहले ये नज़र आ रहा था कि बट डू यू थिंक लाइक इट्स ऑल्सो अ कारमा लाइक लॉट ऑफ पीपल जब पी टी आई ने नवाज शरीफ के साथ किया एंड नौ खान साहब का नरेटिव ये था कि जी हमने तो केसेज नहीं किए वो तो बहुत पहले से केसेज चल रहे थे और सारा कुछ बट हाउ डू यू सी दैट बिकॉज जो उनके साथ हुआ मोर लेस आपको स्क्रिप्ट जो है वो वही नज़र आती है बिल्कुल बिनिया ना एम वेरी वेरी सरप्राइज कि ये जब लोग बोलते हैं ना तो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज बाई दैट और आई लास्ट यू क्वेश्चन बिल्कुल आ, अगर आप कहें कि नवाज शरीफ के साथ हुआ या जो सीनियर लीडर्स थे या जर्दारी के साथ और सीनियर लीडर्स पीपल्स पार्टी और उनके साथ हुआ तो एक तो ऑबियस डिफरेंस जो हर एक आपको पॉइंट आउट करेगा कि यार वो तो नैप के केसेस थे वो कोई सियासी केसेस तो नहीं थे हमारे खिलाफ दो आपने पता ना केसेस किस किस्म के बन रहे हैं आ, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वहाँ हज़ारों वर्कर्स जेलों में नहीं गए थे वहाँ पर भाई उठा लिया बीवी उठा ली ये सब नहीं हुआ था सो बिल्कुल भी ये जो हो रहा है और जो ये कहते हैं ना नहीं ये तो होता है पाकिस्तान की सियासत में मज़रत के साथ नहीं होता है आ, जो हो रहा है वो अनयूजल है और अभी हम लोगों ने देखा है कि अभी को, कोई भी आप यंग किसी इंडिविजुअल से बात करें एक तो अब आपने देखा है कि पाकिस्तान से निकल रहे हैं लोग मतलब जो बिल्कुल ऐसे लोग एक तो ये था ना कि जो बाहर से आने वाला था तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि जी हर जगह ये है जी पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और सही हो जाएंगी चीज़ें बट ये नाजुक सूरत हाल जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है सो हाउ डू यू सी दैट एंड वट्स योर सोट यू नो ओवरऑल थिंकिंग मेरे ख्याल में शहजादा रहेगा वो गाना बनाए हुए भी कोई बीस साल हो गए उसके बावजूद नाजुक ना सा नहीं गुजरा देखो मैं जाहिर है इसमें आप पर्सनली गुजर रहे होते हैं तो एक सर्टन तो तो बायस आपके दिमाग के अंदर आ जाता है वो तो आई ग्रांट दैट लेकिन मुझे इस वक्त जितनी लोगों में ख़ास तौर पर यूथ के अंदर मायूसी नज़र आ रही है ना आ, मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी ऐसे तो जहाँ पे हम आ गए होपफुली यहाँ से जल्दी निकलेंगे एंड एज यू से मे बी लेटर इन द प्रोग्राम विल टॉक अबाउट कि कैसे निकलना है लेकिन जहाँ पर हैं हम यहाँ पे एक्सट्रीम मायूसी कोई भी सरवे उठा के देख लें एंड दैट विल शो यू के इस वक्त लोग जो हैं वो एक हैजान की कैफियत से हुँ. पूरा मुल्क गुजर रहा है और अगर आप पिन पॉइंट करें लाइक वट आर द्री बिग पॉइंट्स कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं आपके ख्याल से वो क्या होंगे ये जो है ना वो एक तो जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता था यूनिवर्सिटी के अंदर तो डिफाइन डिफाइन दिस ए, दिस वो और ये दो और तीन वाला जो है ना ये बड़ बुनियादी बड़े देख बड़े अगर आप बुनियादी वजह ये है कि मेरे ख्याल में और ये जो मैं अभी कह रहा हूँ मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कम से कम एक साल से आप मेरे टीवी प्रोग्राम्स पे देखेंगे बेसिक रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर ये अग्रीमेंट कोई नहीं रहा तो जब आप एक गवर्नेंस सिस्टम मुल्क का चला रहे हैं जहाँ पे बुनियादी असूल जिसके तहत वो निज़ाम चलाया जाएगा या अगर स्पोर्ट्स की एनालि आप इस्तेमाल करें कि रूल्स ऑफ द गेम जिससे वो गेम खेला जाएगा जब उसी के ऊपर बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर अफरा तफरी तो होनी है जैसे क्वेश्चन ऑफ वो क्या फॉर्म इख्तियार करती है और किस डायरेक्शन में जाती है सो so थोड़ा सा हम लोग आगे फॉर्मल उसमें जाने के बजाय ये सवाल मैंने सारों से पूछा फ्रॉम शेख रशीद टू तो पी एम एल एन पी 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 आपके ख्याल से वॉट वेंट रॉन्ग मतलब खान साहब और इस्टबलिशमेंट के दरमियान लाइक डू यू थिंक इट्स एनी वो रशिया वाली एक स्टोरी है जनरल फैज़ वाली स्टोरी है आपने ज़रा बड़ा क्लोजली काम किया है उनके साथ आपका क्या एनालिसिस है अच्छा ये सब जो है ना ये स्पेकुलेशन ही है इवन जो मैं अपनी आपको बात बताऊंगा, मसलन आ, तकरीबन आ, दिसंबर का महीना बॉल पार्क में आपको बता रहा हूँ इक्कीस में आ, खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग्स बोलना शुरू किया अगले तीन महीने बड़े क्रूशल है अच्छा वो हमने कोई बहुत ज्यादा सीरियसली इसलिए भी नहीं लिया कि वो खान साहब ये पहले भी बोल चुके थे वो नेसरली क्रूशल इस शेप में नहीं होता कि कोई पोलिटिकल टर्मोल आने वाला है वो अचीवमेंट करनी है चैलेंज आ गया तो वो ही लाइक्स वो पुटिंग टाइम फ्रेम एंड फोकसिंग एवरीबडी की यार ये अगले एक महीने के अंदर हमने करना है अगले तीन महीने में हमने कर हमने, हमने कहा चलो खान साहब के एक और नए तीन महीने आ गए बट uh, फरवरी में पहली दफ़ा मुझे याद है कि मीटिंग हुई जिसमें खान साहब ने हमें कहा कि गेव अस अंट उसके भी बहुत ज़्यादा तफील नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है तो उनके पास आए रहे intelligence इंटेलिजेंस एजेंसीज report रिपोर्ट करती थी उनको पता होगा शायद शायद क्या ज़रूर पता होगा ज़्यादा तफी का पता होगा बट हमें तो फ्रेंकली नहीं पता So, अब जो भी हम कर रहे हैं ना अब हम पीछे रियर व्यू मिरर में देख के अब हम पीसेस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सो so, उसके अंदर क्या चीजें थी जिनके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था दो तीन चीजें या जो जो मशवरे मिलते थे आ, उस्मान बाजार मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बार बार वो पॉइंट रेज होता था फॉरन uh, पॉलिसी में ख़ास तौर पे अमेरिका वगैरह के म, के ऊपर जरा डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन था कि किस तरीके से अप्रोच करनी है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं फॉर एग्जांपल रशिया ट्रिप जो इतनी जिसकी बात हुई वो तो अमेरिका में इतना तो प्लान को ट्रिप था ही नहीं हमारा जिसके ऊपर मल्टीपल मीटिंग सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए रिटायर्ड फॉरन सेक्रेटरीज तक को बुलाया गया एम्बेसडर जो रशिया में रह चुके थे उनको बुलाया गया वो सब मीटिंग के बाद और इनफैक्ट ये तो सब पहले बिल्डअप में हुआ था ना मैं आपको बताता हूँ हम लोग सुबह वहाँ पर पहुंचे मतलब रात को पहुँचे रात को पहुँचे सुबह मैं उठा मैंने टी ऑन किया और जाहिर है जब आप बाहर मुल्क में होते हैं तो आप सुबह बी बी सी सी कुछ लगाते मैंने ऑन किया सी एन एन से ब्रेकिंग न्यूज आ रही रशिया एज इनवेटेड यूक्रेन वो तो तो क्रेमलिन के बिल्कुल सामने हमारा होटल ये क्या हो गया थोड़ी देर के बाद की कॉल आ गई जी ने मीटिंग कॉल मैं था शाहनोद कैशी थे मुझे याद नहीं शायद कोई तीसरा एक और वजीर था शायद फवाद चौधरी एम नॉट श्योर तो आ, हम चले गए एंड आई रिमेंबर आस्किंग उस मीटिंग के अंदर पी के साथ मैंने कहा उस जनरल बाजवा से भी ओपिनियन उनका ले लें तो इससे मेरी बात हो गई उनकी डिस्कशन ये हो रही थी कि हम ट्रिप कर्टेल करें या, या ट्रिप फेर? पूरा आज जैसे नॉर्मली प्लान है वैसे ही करें तो इसे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हैं तो पूरा कम उसके बाद जिसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और वो भी कोई इतना कोई एटलीस्ट uh, एक्सप्रेस नहीं किया गया जब हम वापस आ गए और वो बड़ा सक्सेसफुल विजिट हो गया घंटे मुल्क ने किया हुआ किसी और मुल्क में तीन घंटे इमरान खान हम तो परेशान हो थे कि गए थे गए बिकॉज वो अकेली वन वन ऑन मीटिंग थी लिए okay. तो हम होटल में बैठे इंतजार करें किधर गए कहां सब वापस नहीं आ रहे तीन घंटे के बाद वापस आए बहुत अच्छी मीटिंग हुई शाम को फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आया प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ द कंट्री था तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया मीटिंग हमारी हाँ हम अजर था, था हमारे साथ तो वहाँ तो उसके बाद जब वापस आए तो ये दो या तीन दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस का वोट था हमने फैसला किया कि या पीएम ने फैसला किया कि हमने एब करना है हमने वोट ना इधर करना है ना उधर करना है तो उसके लिए मीटिंग कॉल हुई उसमें आ, उसके अंदर उनका ये था कि यार यार। क्या थे। तो ना करें और ये एक एक आर्गूमेंट उनकी दूसरी थी उसके अंदर वजन था कि देखें अगर आप इनवेजन ऑफ अदर कंट्री को इंडोर्स कर देते हैं या इंडोर्स नहीं करते लेकिन आप उसको कंडेम नहीं करते कल खुदा न खासा कोई इंडिया करता है क्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल और समथिंग तो आप तो प्रेसिडेंट उसके लिए सपोर्ट करें एनी anyway, वे जी फॉरन सेक्रटरी वॉज ऑल्सो देर पूछा गया क्या एक्सपेक्टेड था एक्सपेक्टेड ये था कि पूरा रीजन जो है वो वोट करेगा फॉर एपस्टेंशन सही है सो हमने कहा यह सब पूरा रीजन करेगा अभी वहाँ पर मीटिंग करके आए बट ऐसी कोई बहुत बड़े कोई फॉरन पॉलिसी में मुझे कोई याद हो गया बड़ी कोई धुआंधार कोई बहस मुसा होता था कोई लड़ाई झगड़ा होता था ऐसा कोई था कोई नहीं Uh, ये दो चीज़ें हो गई दीज आर द मेन टू पॉइंट्स तीसरा वही कि पोलिटिकल अपोजिशन को भी साथ लेकर चलें आ, उनको भी साथ लेके चलें ये तीन इफ आई थिंक अभी जैसे आपने कहा कि ज्यादा उनका जो फोकस था या ज़्यादा उनका प्रेशर जो था वो अपोजिशन के ऊपर था कि जी उनको साथ लेके चलें अभी रिसेंटली हामिद मीर साहब की एक स्टेटमेंट मेरे ख्याल से काफ़ी चल रही थी कि जी उन्होंने कहा कि बाजू साहब ने मुझे बताया है कि जी इसने पचास अरब रुपए की करप्शन की है औरेंज लाइन के अंदर तो हम लोग जर्नलिस्ट स्टोरीज़ डिफरेंट सोच रहे आ, सुन रहे हैं और फिर खान साहब ने कुछ जगहों पर कहा कि जी वो दोनों साइड पर खेल रहे थे तो आपको मतलब हाउ डू यू फील लाइक जब आप लोग मिल रहे होते थे सो ही वॉज लाइक जनवनली अबाउट या वो एक्चुअली ही के यार? नहीं देखें हमारा जो इंट्रैक्शन ज़्यादातर जो होता था वो तो वर्क रिलेटेड है ना वो पॉलिटिक्स रिलेटेड नहीं है तो ज़ाहिर है जो वाद आदमी जो इस पोजिशन में होंगे जो जेनुनली आपको उस पर कॉमेंट कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ तो वो या तो या भाजपा साहब हैं या खान साहब हैं सो uh, so, हम तो जितना इंट्रैक्शन है उसकी बेसिस के ऊपर आपको बता रहे हैं सो so, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे सामने कौन से इश्यूज थे जो टेबल होते थे लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा था कि कोई रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल रक्चर होने वाली है सिवाय उस एक दिन के जिस दिन नोटिफिकेशन uh, जो जनरल जन मंजुम की हुई डी की और उसके बाद पी ने उसको होल्ड कर दिया उसके बाद हम लोग गए थे तीन लोगों को हमें भेजा गया था आर्मी हाउस हम गए और तीन हम मिनिस्टर्स थे और वहां उनकी साइड से मेरे ख्याल में चार या पांच लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी चीफ खुद थे उस दिन डिस्कशन जो थी उसके अंदर काफी काफी कथारसेज हुआ था आ, लेकिन अदर देन दैट को ऐसा नहीं था कि को कोई लग रहा हो कि फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई पता था कि ये कोई रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेकडाउन होने वाली है और हमने खान साहब को समझाया हो कि यार ऐसा ना करें और वो ना माने हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था सही सो so, थोड़ा सा अगर हम आगे चलें थोड़ा सा अगर आप बताएं कि आपकी पहली खान साहब से मुलाकात कब हुई है पहली दफ़ा तो खान साहब से मुलाकात हुई थी नाइनटीन uh, मैं एंग्रो में होता था उस वक्त एंग्रो की एक एफिलियट है जो मित्सू uh, के साथ जॉइंट uh, वेंचर है मैं उसका सी होता था और वो आए थे शौकत खानम की फंड रेजिंग करने के लिए तो और ऑफ़र आपको उसी दिन आई या नहीं 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 वो ऑफ़र भी बता देता तो वो उस दिन तो हमने उनको वो जो भी वो शौकत खानम के लिए डोनेशन मांग रहे थे वो हमने बिल्कुल एग्री कर दी जल्दी से फिर हमने बोला कि ये इलेक्शन हुआ था उससे कुछ महीने पहले ये हुआ क्या है इलेक्शन के अंदर तो उन्होंने वो वाली स्टोरी सुनाई इलेक्शन की कि इलेक्शन में क्या हुआ था और उन्होंने बताया कि मैंने तो

कभी ख़ुद मिलते थे पर्सनली तो कहते थे फिर मेरा भाई जो है वो आठ साल तक शौकत खानम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ पे थे आ, कमाल भाई तो वो आ, उनके ज़रिए कभी आर एफ एल के जरिए लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ ना जो सीरियस प्रसूट 2011 की जनवरी में मैं गया ख़ान साहब के पास ये जा रहे थे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मैंने कहा यार खान साहब जाएंगे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे वहाँ पर और वहाँ पर इनके पास कोई अदर देन वॉट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान प्लान so, हाँ, नहीं है मैं था उस वक्त एंग्रो का सीईओ भी था मैं पाकिस्तान बिजनेस का चेयरमैन भी था। एक नेशनल ना, इकोनॉमिक एजेंडा बनाया हुआ था वो मैं लेके गया मैंने प्रेजेंट किया छोड़ने के लिए ना था मार्क में बढ़िया जनवरी दो है और वो मुझे कहते हैं असद दिस इज ईयर ऑफ द रेवोल्यूशन जनवरी 2011 अभी कोई पीटीआई को सीरियस नहीं ले रहा दिस इज द ईयर ऑफ द रेवोल्यूशन and you cannot stand on the sidelines anymore i said you okay uske 9 mahine baad 30 october lahore minar e pakistan ho gaya in waqi pakistan ki revolution aa chuka tha acha wo bhi jo his sense of timing when he wants to get something is phenomenal jalsa he knows now the whole pakistan is now look so he messages me that i think next day कि मैं चाइना जा रहा हूँ वी हैव टू मीट वन वी कम बैक एंड यू कैन नॉट स्टे ऑन द साइड लाइन भाई लाइंग वो अगले कई महीने चलता रहा पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत है यू नीड अ बिगर चैलेंज हर उन्होंने उनको सब बच्चा बंदे को सस आउट कर देते हैं यार मिनिस्ट्री शिनिस्ट्री का तो कोई तो शौक होगा नहीं पैसा है ऐसी जरूरत ज़्यादा कमा रहा है इसको सो सो द डील ही सस्ट आउट असद जो है ना इसको ट्राई इन कन्विंसिंग टू डू इट फॉर द नेशन एंड इनफैक्ट जब मैंने आखिरी दिन हाँ किया आई थिंक इट was मार्च या अप्रैल ऑफ 2012. थाउजेंड uh, ट्वेल्व अलीमा खान उनकी जो बहन है उनके घर पर था uh, कमरे में जहांगीर तरीन थे एक uh, और बिजनेस मैन थे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा और uh, मैंने उस दिन उनको कहा मैंने कहा साहब ओके आई विल डू इट लेकिन uh, याद रखें मैं कर रहा, रहा पाकिस्तान के लिए मैं आपके लिए नहीं कर रहा उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जो काम मुझे लगेगा का, ठीक है ऐसे पाकिस्तान की हेल्प होती है मैं करूंगा तो हम no so, yes. so, मैंने याद है ना उन्हें क्या ना so, I... <laughs> मुझे याद है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा होना बड़ा जरूरी है <laughs> लेकिन आप, आप, आपने कब से सोचना शुरू किया, किया? Like, जो पहली हमारी सीरियस मीटिंग हुई थी वो एंड ऑफ दिसंबर था आई रिमेंबर बनी में हम बाहर बैठे हुए थे हिम एंड मी एंड वो वो भी मुझे याद है मैंने उसको मैसेज किया मैंने कहा कल मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद आई यू इन सेड एजेंडा फॉर टमोरोज मीटिंग इज वॉट दू ड पी टी आई स्लैश इमरान खान वॉन्ट फॉर मै सदूमर आगे से जवाब आया नो आई नो एग्जैक्टली आई तो दैट वॉज द फर्स्ट सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टिल रिमेंबर जब खत्म हुई मैंने कहा अच्छा ऐसा करें कि आप अपने थिंक टैंक से बात करें मैं अपने थिंक टैंक से बात करें तुम्हारा थिंक टैंक कौन है मैंने कहा मेरी बीवी और मेरे भाई ये मेरा थिंक टैंक है सो दैट अबाउट थ्री मंथस लेकिन जब आपने जुबैर साहब को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था सख्ती से खिलाफ था सख्ती से खिलाफ था एक उन्होंने मुझे ई मेल लिखी इतनी लंबी ई मेल जिसमें उन्होंने कहा अच्छा भाई दी भाई हम माशा टोटल सात सिबलिंग्स हैं अब एक का इंतकाल हो गया आ, भाई और लार्ज ज्यादातर ने कहा कि ये सियासत बड़ी गंदी चीज होती है बट ठीक है if you want to do it, तो कर लो। भाई ने एक्सपो, और उन्होंने कहा, में नहीं आना चाहिए और अगर पॉलिटिक्स में भी जाओ तो पीटीआई में तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए और मेरी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के एक महीने बाद खुद कर ली। बट उनका क्या इंस्पिरेशन था आई नेवर हिम कि कि यार आपने मुझे बोला कि मत करो <laughs> और उसके बाद फिर जब आप लोगों ने प्लान शुरू किया एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं सुनने में आती है जब खान साहब के साथ हमने भी पॉडकास्ट किया तो आई हिम कि आपने सारे जलसों के अंदर कहा जी मेरी 200 लोगों की टीम है और मैं उन्हें लाऊंगा मेरे पास पूरा प्लान है और जब हम गवर्नमेंट में आप लोग आए हैं तो हमने देखा है कि कोई देर वॉज अ प्लान बट हमें उस तरह लोग कोई भी नहीं नजर आए मतलब बहुत कम एक्चुअली नॉट आप मतलब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता वो फिर वो पर्सनल हो जाएगा बट बहुत सारे टॉप नॉच प्रोफेशनल्स अपने टीम के कैबिनेट में भी आपको नजर आए टॉप नॉच प्रोफेशनल्स अपने वो करियर छोड़ के जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था वो आए उन्होंने खान साहब की कैबिनेट के अंदर काम किया उसके अलावा दूसरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी जहाँ पे की लोग लगे सो दैट्स नॉट ट्रू क्या उससे भी बेहतर लोग हो सकते हो सकता है, हो सके हो सके लेकिन जो कई लोग जो आए वो अपनी अपनी फील्ड्स के टॉप नॉच लोग थे मेंबर, आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हेड कर रहे आप सारी टीम जो है वो टेक्नोक्रेट से नहीं भर सकते इनफैक्ट जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था खान साहब के ऊपर जरूरत से ज्यादा टेक्नोक्रेट्स हैं, खासतौर पर की मिनिस्ट्रीज के अंदर तो एक कुछ तो बैलेंस रखना पड़ता है ना कोई इलेक्टेड लोग जो हैं वो भी तो आपको साथ लेके चलने होते हैं लेकिन हम लोगों ने मिनिस्ट्रीज में भी लोग ना कि कोई भी मिनिस्टर चार महीने छ महीने आठ महीने उसके बाद शफल हो रहे हैं अच्छा ये जो है मैं आई थॉट अबाउट दैट हम जो है ना सब हम लोग जो होते हैं वो अपने अपने जो बैकग्राउंड है उससे शेप होती है हमारी थिंकिंग मैंने बहुत सोचा कि ऐसे चौप चेंज सीनियर लेवल के ऊपर नहीं की जाते हमने बड़े बड़े इदारे चलाए हुए ना Continuity का बहुत बड़ा उसको एक एडवांटेज होता है जो उनकी हुई leader, cricket. Now, cricket अंदर आपकी बहुत हाई परफॉर्मिंग टेस्टिंग भी जो हो ना तो इट वुड बी वेरी अन कि तीन टेस्ट की सीरीज में कोई चेंज ही ना हो इवन अ टॉप परफॉर्मिंग टीम को आप कॉन्स्टेंटली चौप एंड चेंज कर रहे होते हैं बिकॉज कंटिन्यूटी मेक्स नो डिफरेंस वो पिछले वाला मैच उस मैच के साथ खत्म हो जाता है उसका कोई ताल्लुक नहीं अगले मैच के साथ आपको कंडीशंस देख के आप बदलते हैं जब आप इदारा चलाते हैं इंस्टीट्यूशन चलाते हैं इस फील्ड के अंदर आप टीम बनाते हैं तो देन कंटिन्यूटी आपस की केमिस्ट्री ट्रस्ट लेवल विद इन द टीम ऑल दीज थिंग्स मैटर तो अगेन अपना अपना स्टाइल है अगर मैं डिसीशन मेकिंग कर रहा हूँ तो मैं शायद इतनी रैपिड चेंजेस ना और आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकालने का आपके ख्याल से क्या वजह थी आपको मूव करने का सात तो सौ सवाल पूछेंगे मैं हरद्वा पूछता हूँ यार खान साहब से पूछा मुझे क्या पता <laughs> लेकिन वो अगेन उसकी बाजवा साहब का बहुत ज़्यादा नाम आता है पता नहीं कोई बोलता था आई ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए कोई बोलता था बाजवा साहब कह रहे हैं कोई कहता था शुगर कार्टेल कह रहा है एंड मेरी उस दिन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले यार वोट लोगों ने इमरान खान को दिया था जिस तरह वोट नवाज शरीफ को मिलता है मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलता वोट जो है वो पी टी आई को नहीं मिलता वोट इमरान खान को मिलता है लोग अकाउंटेबिलिटी और जो डिमांड करते हैं वो इमरान खान से करते हैं अच्छा होता है तो इमरान खान की तारीफ होती है बुरा होता है तो इमरान खान की सो इट इज इंटायरली हिज राइट एंड द राइट थिंग टू डू इज के वो टीम किसको खिलाना है किस जगह पे खिलाना है ही शुड डिसाइड सो वट एवर ही गुड एंड उसको सेकंड गेस करने की जरूरत ही कोई नहीं और आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसा था बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग मैं बहुत सुनता था ब्योक्रेसी जो है वो हमें फेल कर रही है वो ये कर रही है मेरा अपना जतीियी अगर मुझे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया इन जनरल अगर आप मुझसे पूछें वो वज़ीर जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर कुछ एक्सपर्टीज रखते थे जो मेहनत करने के लिए तैयार थे उनको साथ ब्योक्रेसी बिल्कुल ठीक काम करती थी और चले दूसरों को छोड़ देते <laughs> अभी हमने देखा यूनिवर्सिटी वाला पूरा बट ये टीम वाली मैं आपको ऑफर एक करता हूँ दिस वॉज अ मीटिंग आर्मी हाउस में आपको पता है ना कि प्रेजिडेंट साहब की मीटिंग हुई जनरल बाजवा के साथ फिर उसके बाद फॉलो अप में अब तो पब्लिक हो गई है खान साहब की दो मीटिंग्स हुई जनरल बाजवा के साथ उसके बाद दो मीटिंग्स हुई थी जिसमें अलवी साहब मैं और प्रवेश खटक थे और आर्मी हाउस के अंदर मीटिंग उसमें से एक मीटिंग में काफ़ी सारे उनके जो नेक्स्ट रिपोर्टीज थे वो भी मौजूद थे और मुझे अभी तक याद है मैंने कोई परफॉर्मेंस की बात हो रही थी मैंने कहा मैं किसी को भी चैलेंज करने को तैयार हूँ मैन टू मैन कंपेरिजन करके देख ले जो पिछली दो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं एक पीपल्स पार्टी की एक मुस्लिम लीग नून की मैन टू मैन आपको जितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं एंड आई विल प्रूव टू यू कि विदाउट ए शेडो ऑफ डाउट बेस्ट परफॉर्मिंग फेडरल कैबिनेट तरीके इंसाफ की थी विद नंबर्स हाँ और चले मैं उनका नाम नहीं लेता बट वन ऑफ द द जर्नल्स हु हु वाज वन क्रिटिकल सेट के हाँ नहीं फेडरल पे तो बहुत काम हुआ है अच्छा ही एग्रीड सो आप फिर उसके बाद आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई फिर ये क्या हुआ है सारा <laughs> ये, ये ये मेरे पेग्रेड से ऊपर की बात रिसेंटली आपने पूरे पाकिस्तान का दौरा भी किया तीन चार जिलों में आप रहे भी सो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस अगर बताएं कि हाउ इज दैट यार जो पहले दिन जिस दिन हम अरेस्ट हुए तो उस दिन तो रात को कोर्ट लखपत में थे फिर अगले दिन हमें इन्होंने बिठाया कैदी वैन के अंदर और 12 घंटे की ड्राइव करके हमें ले गए ये राजनपुर और आपके साथ कौन कौन था उस हमारे तो साथ जो अरेस्ट हुए थे लोग पहले दिन जब हम अरेस्ट हुए तो उसका तो मेरे साथ शाह महमूद कुरैशी थे आज़म स्वाति थे एक दो और शायद हमारे जानने वाले होंगे लेकिन अगले दिन जब ट्रांसपोर्ट किया तो उन्होंने हमें अलग अलग कर दिया था तो जेलों के अंदर थे तो मेरे साथ जो थे वो लाहौर के ज़्यादातर वर्कर थे एक डॉक्टर साहब थे जो स्वाबी के थे वो उसके बाद मुझे जमान पाग में भी मिले आ, दस बारह लोग ये मेरे साथ थे अच्छा उसमें से एक बेचारा जो है वो शुगर का मरीज था एंड बारह घंटे उन्होंने वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया अच्छा ये मैं बता दूँ जेल के अंदर जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो है लेकिन कोई ज्यादी हमने होते हुए नहीं देखी लेकिन उस जो बारह घंटे का ट्रांजिट था ना नहीं आप लोग रुके भी नहीं गए बीच में रुकते थे खुद रोज पुलिस वाले रुकते थे नहीं। नहीं। वो हजरम भी यूज करते थे खाते पीते भी, भी थे सो ये बारह घंटे के बाद हम वहां पहुंच गए उसके बाद अगले दिन राजनपुर जेल में हम शुरू हो गया तो एक जबरदस्त मुझे आर्टिकल आया लिखे मैंने कहा यार मुझे पेंसिल कागज दे दो उन्होंने कहा नहीं जी ये अलाउड नहीं है आपको पेंसिल कागज नहीं मिल सकता मैंने कहा यार क्या करूंगा मैं पेंसिल कागज है कहता सर हमारे खिलाफ ही आपने कुछ लिखना है तो आ, मुझे आइडिया ये आया था कि एक आर्टिकल लिखा जाए कि वो असद उमर जो एमरेट्स एयरलाइंस की बिजनेस क्लास नहीं फर्स्ट क्लास में फ्लाई करता था और जो फोर सीजन की स्वीट्स में जाके ठहरता था वो कैदी वैन बारह घंटे उसमें क्यों सफर कर रहा था और राजनपुर के जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैद तनहाई क्यों क्यों काट रहा था सो <laughs> so, लेकिन वो फिर हो नहीं सका देखें एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताता हूँ कि मैं उससे कैसे कोप कर रहा था फिजिकल कंडीशन को को बहुत अच्छी नहीं होती है वो नीचे सीमेंट का स्लैब है उसके ऊपर वो डाल के चादर डाल के उसके ऊपर आप तो कोई नहीं मिलता था सो वो वो सब है किसी से मिलना अलाउड नहीं है कह देते ना सबसे मुश्किल वो होता है कि कोई इंटरेक्शन है आपका जो संतरी है उसके अलावा आपका कोई इंटरेक्शन ही किसी के साथ अलग जेल थी बिल्कुल वो मतलब अलग कमरा उन्होंने किया ये था वहां पर यह हुआ था कि जो जुबेनाइल सेक्शन है उसमें सिर्फ दस बारह बच्चे थे उनको उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया तो वो पूरा सेक्शन जो जेल का था उसमें अकेला में था इसके बाद अडियाला में जब आया था तो अडियाला में उसका जो डेथ रो है उस डेथ रो में से एक बैरक जो है उसके अंदर वहां पर मुझे रखा हुआ था तो सारा शेप करने की बात होती है माइंड के अंदर तो मैंने कहा कि यार अगर आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जा रहे हैं तो आपको दो हफ़्ते अकेले ही होते है ना और हार्श कंडीशन आपको ये नहीं पता सुबह उठेंगे जिंदा होंगे नहीं होंगे यहाँ तो खाना भी मिल जाता है और सेफ़ हैं आप सब कुछ है तो ये तो बड़े अच्छे कंडीशन है तो ये मेरा माउंट एवरेस्ट है फिर उसके बाद एक मुझे थोड़ी सी डार्क है लेकिन एक और एनालॉजी है जो और भी ज़्यादा पावरफुल है मैंने कहा यार अगर खुदा ना खासा किसी को ये पता चले कि उसको कैंसर हो गया स्टेज फोर कैंसर है और उसको जाके कोई ये कहे कि आपका इलाज हमने ढूंढ लिया एक मेडिकल क्योर आया है और वो ये है कि राजनपुर जेल में आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तीस दिन के लिए रखेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे वो बंदा कितना खुशी खुशी इसी कंडीशन में रहेगा यही जेल का सेल होगा यही कंडीशन होगी और वो बहुत खुशी खुशी टाइम सो इट्स ऑल इन द माइंड सो आप डाउन फील करना शुरू होते खासतौर पर एटलीस्ट मेरा दोनों दफा जो था मेरे दोनों दफा कहते तनखाई थी जो असल चैलेंज होता है वो ये है कि अकेले हैं नेगेटिव था मनफी बातें जहन के अंदर आती हैं फिर आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं वही है स्टार्ट फीलिंग बेटर फर्क दोनों जेलों का ज्यादा जो सबसे बड़ा फर्क था राजनपुर में मौसम बहुत अच्छा था मार्च का और इधर पिंडी अडियाला जो था अडियाला में बेतहाशा गर्मी थी हीट वेव आई हुई थी पिंडी में और मेरा जो जेल सेल था वो वेस्ट फेसिंग था तो दोपहर को एक बजे से जो कड़ाके की गर्मी शुरू होती थी ना कोई रात को दो बजे तक गर्म रहता था लेकिन ये तो यह ना कि आप थोड़ा मोटिवेशनली जब इस चीज़ को सोचते हैं आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन या एज असद उमर नॉट लाइक विद एनी टाइटल्स उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार ये लाइक like, हैपनिंग what, थोड़ा सा आपने पुरानी चीज़ें भी सोची लाइक एज ए ह्यूमन वही मुझे वो uh, क, हमारा कंपाउंडर uh, था राजनपुर में उसने मुझे कहा उसने कहा जी आप जो है वो सारा वक्त भाग दौड़ के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि आप जो है वो बैठ के अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करें रिफ़्लेक्ट करें आप सोचें तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप वो बैठते हैं आप सोचते हैं आप कहते हैं मैं क्या ठीक कर रहा हूँ मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या मुझे मुख्तफ करने की ज़रूरत है आ, वो है बिल्कुल वो होता है लेकिन जैसे आपने कहा कि किस वजह से आप अंदर गए हैं उससे बहुत फ़र्क़ पड़ता है

सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कुछ नहीं भाई रूटीन आप हैं <laughs> आप अकेले बैठे हैं तो किताब पढ़ते हैं आप में कुरान पढ़ता था संतरी जो है उसके साथ गप लगाते थे दुनिया के पार सारे बड़े बड़े मसाइल जो है उस डिस्कस करते थे फिर वो मेरा मुझसे सब पूछते हैं सेल कितना बड़ा था तो मेरे साढ़े पाँच स्टेप्स का था तो नॉर्मल आदमी जिसकी हाइट होती है उसके शायद छः सात स्टेप का होगा तो मैं फिर भी वॉक करता था <laughs> तो वो उससे ब्रेक आप कोई भी चीज़ ना आप थोड़े थोड़ी देर बाद आप मुख्तलिफ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं आपने वॉक करनी शुरू कर दी अब थोड़ी लेट गए अच्छा मुझे सब लोग बोलते हैं रात को सोने नहीं दिया मैं

उनको पता नहीं शायद पता भी नहीं था कि मैं साथ गिरफ्तार होके गए थे तो अडियाला तो 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 हमारे ही वर्कर थे तो वो तो नारेबाजी और मुझसे बातें कर रहे और ये वो जोक्स चल रहे मजेदार फिर जब राजनपुर पहुंचा तो मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गया फिर आई स्टिल रिम्बर की जिस दिन ये शायद आठवां नवा दिन था जब मैं वहाँ पहुंचा था सरगोदा वाले आए और सरगोदा वालों को कहीं से कोई पता चल गया कि असद उमर भी यहाँ पे ओ अच्छा हाँ नहीं उनको तो पहले से पता होगा ना क्योंकि वो बाहर थे तो टीवी पे आ चुका था राजनपुर उनको पता था कि हम जिस जेल में जा रहे हैं असद उमर है सो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी वहाँ पे असद उमर जिंदाबाद दूर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं तो वो जो है कैदी जहाँ पे साथ होते ना ये इवन जो जेल सेल ये जो डेथ रो पे जो साथ थे वो भी होता था फ्रॉम टाइम टू टाइम उनकी अपनी और तकबीर अल्लाह अकबर वो अपने आप को एक मोटिवेट करने के लिए लेकिन ये सारे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं जब आप दूसरे लोगों के साथ मिल सकते हैं अच्छा मुझे जो है ना वो राजनपुर में बता रहे कि जी ये जो देखें हमने बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ कर दी हैं हम जो है वो केबल भी है और पी बना दिए फ़ोन जा कर सकते हैं टी देख सकते हैं और वो कैरम बोर्ड है मैंने कहा बाई हेलो ये हमारे लिए क्यों नहीं है कुछ तो उसने बड़ी मज़ेदार बात की उसे कहता है कि सर क्योंकि आपने कोई जुर्म नहीं किया अच्छा मैं समझा मजाक कर रहा है तो वो सीरियस था उसने कहा नहीं सर आप किसी जुर्म के तहत नहीं आए हैं मैं एम पी ओ में उठाया गया था ना दोनों दफा तो आप माशरे के लिए खतरा है आपको नहीं है फैसिलिटी कोई भी मिल सकती तो अदरवाइज जो नॉर्मल जेल वालों की वो बताते हैं तो उसमें काफ़ी इम्प्रूव हो गया एक खाने का बड़ा लोग पूछते हैं कि खाना कैसा जेल का खाना और ये सुना है हमारी वक्त में बेहतरी की गई आ, तो खाना ठीक होता है इट्स नॉट बैड खाना बुरा नहीं और आपकी फैमिली से कब पहली दफ़ा बात हुई जब आप पहले दिन गिरफ्तार हुए पहली दफ़ा जब मैं गिरफ्तार हुआ, हुआ था तो मेरी फैमिली से पहली मीटिंग हुई थी सात दिन के बाद मेरा बेटा को इजाजत मिली थी वरना वो किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी कोर्ट जाना पड़ा था कोर्ट से जाके इजाजत ली और यहाँ पे भी इस दफा जो है मेरी बीवी से पहली मीटिंग जो थी आई थिंक छः दिन अरेस्ट होने के बाद थी क्योंकि एम पी ओ में जब आप उठाते हैं ना आपको कोई वो उन्होंने जज के सामने ले जाना होता है जज के सामने जाते हैं निकलते हैं आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं कुछ डिफरेंट होता है ना टाइम गुजरता है वहाँ पे जर्नलिस्ट होते हैं साफ ही आपका लॉयर होता है लो ना कुछ भी नहीं इवन लॉयर को मिलने के लिए एम पी ओ के तहत अप्रूवल लेना होता है कोर्ट से और पहली दफा मैं राजनपुर जब जेल में था तो मेरा तो मुझसे वकील भी नहीं मिल सका था आ, मेरी आ, बीवी को, और बेटे को अलाव किया, लेकिन दफ़ा ने आपको कहा नहीं के यार, बस मेहरबानी कर दो सब कुछ और <laughs> नहीं, वापस सेक्टर या कहीं, निकले से। <laughs> नहीं ये तो मेरी बीवी मुझे अक्सर याद दिलाती थी कि मैंने मना किया था मत जाना पॉलिटिक्स के अंदर लेकिन नहीं जब जेल में उस वक्त नहीं सो so, अच्छा थोड़ा सा मैं नाइन्थ मे के ऊपर आना चाह रहा हूँ एक बहुत बड़ा सवाल अभी आ, लास्ट वीक हम लोग कुछ दोस्त बैठे हुए एज एज एन ऑडियंस या एज एज अ पब्लिक जो सवाल दो तीन बहुत ज़्यादा आ रहे हो जो हमने कमेंट्स में भी देखे खान साहब को तो गिरफ़्तार कर लिया आ, और उस पर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने जी ख़ान साहब को डंडा मारा है कोई कह रहा है जी क्या हुआ है उनके ऊपर तशद हो रहा है तो ज़ाहिर है वहाँ से भी एक लोगों का सो so, एक तो ये कि आपको क्या लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रा ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन भी होगी बट उसके अंदर बहुत सा एक प्रॉपर मिस इन्फॉर्मेशन भी आ रही और उसकी वजह से ज़्यादा जो चीज़ें हुई बट उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखने में आई कि जो दो तीन दिन थे शुरू के उसमें कोई पी टी आई लीडर हमें टी वी पर नहीं नज़र आया कि ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं लोग जी एच क्यू के बाहर गए हैं या और जगहों के ऊपर भी गए हैं सो so, कहाँ थे सारे और आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन आप लोगों की क्या थी अच्छा पहली बात तो ये दुरुस्त नहीं है आपकी असेसमेंट बिकॉज पहले दिन आ, मैं लैंड किया इस्लामाबाद में तीन बजे और जब मैंने लैंड करके जब हम लैंड किए तो एक्चुअली मेरा तो फ़ोन अभी उस तो ऑन भी नहीं हुआ था कोई राइट पर बैठा हुआ था उसने काजी खान साहब गिरफ़्तार हो गए तो वहाँ से हम निकले मेन वहाँ से जब जाते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पुराना होता है तो उसके सामने से गुजरते हैं हमने कहा हाई कोर्ट चलते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया व था आप अंदर नहीं जा सकते थे तो हम जाके बैठ गए और हमने कहा क्या करें तो सिर्फ टीवी कर सकते थे तो मैंने उस दिन नौ तारीख को मैंने काशिफाबासी का प्रोग्राम किया मैंने कामरान खान का प्रोग्राम किया मैंने स्काई न्यूज़ का प्रोग्राम किया जो लाइव जो उन्होंने दिखाया मैंने बीबीसी का प्रोग्राम किया आई डोंट नो उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया कब दिखाया बट मैंने भी ये चार किए अगले दिन सुबह दस बजे मैंने और शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस हेडकोर्टर्स के बाहर से मीडिया टॉक की <coughs> जो लाइव चली और हम जब जा रहे थे हमें उसको लोगों ने हमें बोला मेरे एक वकील ने भी बोला ना आ जाए उठा लेंगे आपको क्या करें यार मतलब यहाँ पर गायब तो नहीं हो सकते तो और वहाँ से हम हाईकोर्ट गए हाईकोर्ट से मुझे रेस्ट कर लिया भाई कोई भाई जी बे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ से खान साहब को अरेस्ट किया और जहाँ से मुझे रेस्ट किया उसमें मुश्किल से पचास फुट का फर्क है आ, बट अगले दिन सुबह रेस्ट किया सो कम से कम मैं तो अपना आपको बता सकता हूँ कि मैं तो लेकिन तो ज़्यादा लेकिन ओवरऑल आपको नहीं लगता कि मतलब हम ज़रा बाहर से जब बैठ के ये सारा देख रहे थे कि वो जो एक लीडरशिप थी या कोई प्लान बी था कि जी अगर खान साहब अंदर चले जाते हैं तो पी की तरफ से हमें कोई वो नहीं नजर अच्छा जो प्लान बी है मैं आपको बताता हूँ कि देखें क्योंकि मैं सेक्रेटरी जनरल था तो पहले हमने कंटेंजेंसी प्लान बनाए थे राइट कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो हमने क्या करना है किस तरीके से रिएक्ट करना है लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आई थिंक मार्च का महीना था ख़ान साहब ने एक कमेटी बनाई छः रुकनी कमेटी और उन्होंने कहा कि अगर मेरा मेरी गिरफ्तारी होती है यानी इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो ये छः रुकनी कमेटी जो है ना ये पार्टी के मामला को देखेगी मैं उस छः रुकनी कमेटी का हिस्सा नहीं था ठीक है और उसको शाह महमूद हेड कर रहे थे उसके अंदर सैफुल्ला न्याजी इजाज़ चौधरी मुराद सईद आई थिंक अली गंडापुर थे और आई नॉट श्योर कौन कौन थे बट छः लोग जब वो कमेटी बन गई ना तो उसके बाद मैंने कहा जाहिर है फिर इनकी जिम्मेदारी होगी ये लोग करेंगे सो मुझे नहीं पता उन्होंने कोई तैयारी की नहीं की या क्या किया बट उस वक्त का नौ मई की तैयारी के अंदर या जिस वक्त गिरफ्तारी हो गई थी उसके बाद एक्शंस के अंदर मुझे सब फोन कर रहे थे और मैं हर एक को जवाब देता था कि यार मैं कैसे फैसला करूं छह रुकनी कमेटी बनी हुई उनसे पूछोगे क्या लेकिन था? आपको भी लग रहा उस टाइम भी लगा या अभी भी अगर आप यू लुक बैक लोग उन्होंने अपना काम उस तरह शायद नहीं किया ये नहीं ये मेरी जाति होगी मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट सादिर कर दूँ तो ये वो बेहतर पोजिशन में होंगे कि क्या तैयारी की गई थी थी तैयारी नहीं थी और तैयारी को एक्सिक्यूट जैसे करना चाहिए था वैसे कर सके या नहीं कर सके इट वुड नॉट बी फेयर ऑफ मी कि मैं उनके ऊपर कामेंट और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे जो जी एच क्यू या को कमांडे है जनरली अब उससे पहले भी जब खान साहब को निकाला तो हमने मुजाहरे पूरे पाकिस्तान में देखे सारे पीसफुल फिर जब वो इस्लामाबाद आए सो so, इसमें और इसके अंदर आपको क्या बड़ा डिफरेंस नज़र आया लाइक व्हाट हैपन लाइक जनरली लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए uh, अभी अगेन जब डिफेक्टो आपके लीडर्स हैं कोई चौहान साहब ये वो बस उन्होंने कहा जी ये पूरी प्लानिंग थी कि उसने ही जाना है इसने नहीं जाना है या मतलब मेरी तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़रा जब आप मॉब होता है तो उसकी कोई वो नहीं होता ज़रा आप गुस्से में आते हैं एक बंदे ने कुछ किया आप उसको क्या कंट्रोल करेंगे चौहान साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी उसका मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ तो, तो इसको ज़रा सा केयरफुल होना बिकॉज जे बनी हुई है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं कोर्ट में केसेस चल रहे हैं आज भी हेयरिंग थी उसकी तो सब जुडेस है मामला लेकिन मैं ये इतना तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ मेरे सामने किसी मीटिंग के अंदर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि कहाँ हमला करना है या नहीं करना है ऐसा कोई इनफैक्ट उस दिन मैं शाम कुरैशी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि वो ऐसे ही होता ना कोई बड़के मारने का किसी बंदे को शौक़ होता तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कोई नॉन सीरियस नहीं बोला मेरे सामने नहीं बोला गया था और पीडीएम टी की अगर जो गवर्नमेंट को अगर हम देखें अगर आप नॉट एज अ पी लाइक ओवरऑल अगर आप इसका अनालिस कैसे करेंगे लाइक like यू you नो know, मफ्ता पहले आए विश्व की इकोनॉमी को आप देखें एज एज अन मैं मुझे मुफ्त के मशवरे देने का बहुत शौक है तो आप मेरे प्रोग्राम्स अभी हाइंडसाइट में ना देखें आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखने शुरू करें अप्रैल 2022 से अप्रैल 2022 से मैं कह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून वालों को कि तुम अपनी मुल्क का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है और बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 14-15 महीने के अंदर जो खशर हुआ है पाकिस्तान की मीशत का कभी किसी ने आज तक नहीं देखा था इतनी पाकिस्तान की मीशत में आ, एक साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्टिंग इकॉनमी ये कभी भी किसी ने देखा ही नहीं था आ, तो मुल्क का तो हुआ ही हुआ नुकसान लेकिन मैं ये मुस्लिम लीग नून वालों को खास तौर पे कहता था कि ये जदारी साहब जो है ना ये तो हंसेंगे आपके ऊपर लेकिन आप अपनी सियासत का बेड़ा ग्रक कर लेंगे और यही हुआ उन्होंने अपनी सियासत का बेड़ा ग्रक कर लिया इतनी अनपॉपुलैरिटी उन्होंने अपने लिए ले ली कि इलेक्शन से भागने के लिए आइन तोड़ने के भी लिए तैयार हैं वो तो न, ये जो हुआ ये कोई सरप्राइज नहीं था मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि ये इतने या गएस अपने केसेस वाइस माफ़ कराने थे वही बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं कि क्यों उन्होंने किया लेकिन ना सिर्फ मुल्क का शदीद नुकसान हुआ लेकिन कम से कम जो उनकी पी डी एम की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है मुस्लिम लीग में उसने अपनी सियासत का मेरे ख्याल के अंदर तो रिट्रीवेबल नुकसान कर लिया थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाएं एज अ होल अगर आप डेमोक्रेसी देखें हमने देखा कि मफ्ता इसमाइल और उनके साथ भी कुछ और लोग भी डिफरेंट पार्टीज़ के भी काफ़ी लोगों ने डिस्कशन शुरू की कि जी इस निज़ाम के ऊपर जो है एक नई कोई डिस्कशन शुरू हो लाइक आपने जाहिर है कॉरपोरेट सेक्टर से आप आए हाउ डू यू सी द होल डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वो पी टी आई है डू यू सिस्टम ब्रोकन है मैं आपको बता रहा हूँ ना सिस्टम ब्रोकन है जहाँ बेसिक रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर कोई आ... अंडरस्टैंडिंग कोई एग्रीमेंट ना हो वो निज़ाम नहीं चल सकता सो so, इसलिए और ये भी जो है ये मेरी बात आप अप्रैल 2022 से उठा के देख लें बाद में क्या मैं कोई छः दर्जन में प्रोग्राम में बोल चुका मैं वही बोल रहा हूँ ना कोई नई चीज़ आपको वहाँ पे नहीं जिसको मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी तो उस दिन भी मैंने कहा था मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो आप मुझसे पहले नहीं सुन चुके सवाए आखिर में जो मैं ऐलान करूँगा कि मैं अपना उहदा छोड़ाऊँ उसके अलावा कोई बात ऐसी नहीं सुनेंगे जो आप मुझसे बहुत दफ़ा ना सुन चुके हो जनो प्रोग्राम में का काम है टू तो सॉर्ट आउट आपस का एक बेसिक सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने करनी है आ, अगर आप वो नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है मेरी मेरी जाती राय के अंदर चल ही नहीं सकते लेकिन आपको आगे लग रहे है, अगले कुछ से हम निकल जाते हैं फिलहाल तो ये लगता है कि और जो बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़ी गलती है मेरे ख्याल में कि पी को लगता है कि जी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई है पी टी तबाव बर्बाद हो जाएगी तो इसलिए जो है अब तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए कुछ वॉइस हैं वहाँ पर आ, नून में भी हैं पीपल्स पार्टी में भी हैं कुछ वॉइज हैं सीनियर वॉइस हैं जो ये समझती हैं ये गलती है आ, लेकिन नॉमिनेट व्यू ये नहीं है तो इस वक्त तो फ़िलहाल वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म जो उनको गेंद नज़र आ रहा है उसके लिए आ, सब कुछ दबाव पे लगा रहे हैं तब कुछ और रियलिस्टिकली आपको पी का आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है देखिए पी का फ्यूचर जो है सियासी पार्टी का फ्यूचर जो है वो अवाम डिसाइड करती है पाकिस्तान की अपनी तारीख आप उठा कर देख लें हमारी पीपल्स पार्टी जो है 1977 के अंदर मार्शल लॉ लगता है भुट्टो साहब को फांसी दे दी जाती है कोड़े लग रहे हैं पार्टी की सारी तकरीबन सीनियर लीडरशिप पार्टी छोड़ गई थी और ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी को हो पी पी टी आई में कोई नया काम हो गया तकरीबन तमाम लीडरशिप जो है वो पी, पीपल्स पार्टी छोड़ गई थी जिनको अंकल्स कहती थी बेनजीर सारा यंग नया क्राउड आया ये एतजाज़ वजाज़ तो यंगस्टर्स थे उसको कहते तो पीपल्स पार्टी में था भी नहीं सेवन में ये लोग सब ऊपर आए इफ्तार गिलानी एक बिल्कुल नया क्राउड सामने आया ग्यारह साल के बाद इलेक्शन हुआ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती इसी तरीके से अर्ली नाइन्टीज़ में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ एम क्यू एम के ख़िलाफ़ एम क्यू एम को बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म कर दिया गया दस साल के बाद इलेक्शन हो रहा है एम क्यू एम जो है स्विप कर जाती है दोबारा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फैसले अल्टीमेटली आवाम करते हैं जब भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्री फेयर प्रोसेस चलेगा तो फैसला अवाम करेंगे तो पी टी आई का मुस्तबिल क्या है वो मैं नहीं डिसाइड करूँगा वो पाकिस्तान के अवाम डिसाइड करें लेकिन उसमें भी हमने ये नहीं देखा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में थोड़ा सा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के चले दो तीन लोग आए हैं वहाँ भी ज़ाहिर उस तरह डेमोक्रेटिक नहीं नवाज शरीफ है तो वो एक फैमिली पीपल्स पार्टी में भी खान साहब का भी और पी टी का भी ये नहीं है कि वो एक ब्रांड के आसपास डेवलप हुई हुई है ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स इन जनरल हमेशा से रही है आ, अगर कांग्रेस पार्टी जो जिसको तकरीबन डेढ़ सौ साल हो गए हैं बने हुए वो आज भी गांधी फैमिली के नाम के बगैर नहीं चल सकती तो यू कैन इमेजिन इसी तरीके से बीजेपी जो किसी फैमिली की पार्टी नहीं थी वो इमर्ज की बिल्कुल एक ग्रास रूट्स मूवमेंट एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट हमें नहीं पसंद है वो हमारे शदीद मुखालिफ हैं लेकिन आ, उनको क्रेडिट दें कि वो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के तौर पर आए वो उनका किसी नाम पर इसार नहीं था वहां पर आज नरेंद्र मोदी इतने डोमिनेंट हो गए हैं कि चिड़ी नहीं पर मार सकती बीजेपी में नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर हाउ डोमिनेंट ही इधर चले साउथ एशिया छोड़ दें इस वक्त अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी 200 साल पुरानी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप का एक कल्ट क्रिएट हुआ है एंड जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अपोज करता है वो उसका पॉलिटिकल करियर जो है वो हिल जाता है सो so, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिन्होंने नहीं देखी हुई एक फेसबुक सॉरी नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है एक आ, सीरीज है सोशल डिलेमा हुँ. मस्ट वॉच है वो आप जाके देखें और आपको समझ में आएगा कि ये इस वक्त जो दुनिया में पॉलिटिक्स जो है वो एक्सट्रीम्स की तरफ जा रही है

नहीं, मैं मैं पब्लिकली क्योंकि जो जो मीनिंगफुल मैसेज है वो मैं पब्लिकली दूंगा नहीं बट आपकी लास्ट अभी आई एम श्योर ज़ाहिर उनसे बात भी हो रही है एक वो पिक्चर चली थी आई एम श्योर उसके पीछे भी ज़ाहिर एक स्टोरी होगी आई यू स्टिल कनेक्टेड विद हिम मेरी लास्ट मुलाकात उनसे हुई थी ए टी इस्लामाबाद और बहुत कम हमने आई थिंक दो चार लोग ही हैं जो अभी तक दूसरी पार्टीज़ में नहीं गए शीरी मजारिक को हमने देखा वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो गई हैं आप हैं तो आप पे भी प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं ऐसा प्रेशर मतलब ये है कि अदालतों के धक्के खाते रहते हैं वक्ता फ़वक्ता वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाते हैं ये प्रेशर तो बिल्कुल है इसमें तो कोई शक नहीं है आ, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि पॉलिटिक्स में मैं होता ही ना मैं पहले भी मुझे अभी आपको मैंने स्टोरी में पॉलिटिक्स में कैसे आया था? मैं कुछ हो सो, सोच के पॉलिटिक्स में थोड़ी आया था इमरान खान ने कहा पॉलिटिक्स में आ गया हमें नज़र आ रहा था कि यार ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं इनको हेल्प की जरूरत है चलो हेल्प करते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उसको तो मैं जब ज्वाइन करूं जब मेरी कोई पॉलिटिक्स मजबूरी हो कि मैं कोई पेशावर सियासतदान मैं कोई पेशावर सियासतदान थोड़ी हूं मेरे लिए तो जिस दिन ये छुट्टी हो जाए कि चलो अब आपको सियासत करने की ज़रूरत नहीं है अब आप आराम से जाके फैमिली के साथ मैं आपको बताता हूं अभी इन सारे केसेस के साथ साथ मुझे टाइम मिला शाम के बाद ख़ासतौर पर ज़रा सा टाइम मिलता है उसे तो सेक्रेटरी जनरल तो पागल हो जाते हैं उससे पहले कैबिनेट में थे तो कॉन्स्टेंट आपकी भाग लगी रहती है सो so, मैंने लॉर्ड्स का क्रिकेट टेस्ट देखा तो so, मैं जब मैच देखा तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने आखिरी दफा टेस्ट मैच कब देखा था थाने रियलाइज को बीस बीस साल हो गए मैं <laughs> आजकल मैं मैडमिंटन देख रहा हूँ शाम को एंड अगेन आई कान रिमेंबर द लास्ट टाइम तो मेरी तो जिंदगी पर्सनल अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो ये बेहतरीन जिंदगी है सो so, वो जो है वो तो एक ऑब्लिगेशन है एक एक फीलिंग है कि यार अच्छा ठीक है आप लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो चले आप सैक्रीफाइस करें और सेक्रीफाइस कोई छोटी सेक्रीफाइस नहीं है वो सब लोग जो है तनख्वाह और ये नौकरी वो है फाइनेशियल जो है मेरी उस दिन कैलकुलेशन कर रहा था कोई बैठा हुआ मेरी जो सारी जिंदगी की नेट नेट अर्निंग्स होती ना तो उसका पचानवे फ़ीसद से ज़्यादा जो है वो मेरा आखिरी डेकेड ऑफ माई कॉर्पोरेट लाइफ में होना तो मैं सी ओ बन चुका था मैं सी ओ बने हुए मुझे आठ साल हो गए थे सीनियर तो यू कैन ना इमेजन कॉम्पनसेशन लेवल जो उस स्टेज पर होते वो मैंने गिव अप वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब उस वक्त मैं ये डिसीजन कर रहा था ना तो मेरी बीवी को अमंग से चीज़ें जिसकी उसको परेशानी थी है कि फाइनेंशियल थी कि वो हम कैसे करेंगे मैं क्या देखो अब सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि हम बच्चों के लिए कितना छोड़ के जाते हमारे लिए अलहदुल्ला जो है अल्लाह ताला ने दे दिया है तो हमारे लिए काफ़ी है शौक हमें कोई महंगा कोई शौक ही नहीं है जिंदगी के अंदर <laughs> प्रलीन आइसक्रीम खा के हम खुश जाते हैं तो हमें कोई महंगा शौक ही नहीं जिंदगी का लेकिन जो सेक्रीफाइस है जो फैमिली से टाइम दो दोस्तों के साथ दोस्तियाँ ख़त्म हो गई वो टाइम ही नहीं किसी दोस्त के लिए और यह भी नहीं है मैं ये ग्यारह साल की मैं जद्दोजहद की बता रहा हूँ आपको बात है फैमिली के लिए टाइम है जो बहुत फील होता है ख़ास तौर पर अपने बेटों के उनके अर्ली स्टेजेज़ ऑफ द करियर थे मैं बहुत उनकी है मेरी ये भी खान से बात हो रही थी तीन चार महीने पहले हम वन ऑन वन बैठे हुए थे मैं उसको बोला था यार इतना सस्टेनेबल जो है ना मुश्किल होता चला जा रहा है उस वक्त ये नाइन वेवर कुछ नहीं हुआ था उसने कहा क्यों मैंने कहा मैं कभी छः हफ़्ते हो जाते हैं मैं फैमिली से नहीं मिलता कभी सात हफ़्ते हो जाते हैं कॉन्सटेंट क्राइसिस के अंदर हम गुजर रहे थे और इस सारे उसके अंदर गुजरते हुए वो भी मैं आपको बताऊं मज़ेदार मैं एक दिन मैं कहा यार मुझे बहुत ज़रूरी जाना था कराची तो मैंने कहा तो मैं बोलूँगा खान को खान बोला नहीं नहीं ये बड़ा भी ज़रूरी है सो तो मैं एयरपोर्ट जाते बता दूँ पौने आठ बजे करीब मीटिंग में ब्रेक हुआ उठ के खान साहब जा रहे थे तो मैं कहा कि मैं जा रहा हूँ कराची एक दिन के लिए मैं परसों आ जाऊँ हाँ ठीक है ये पौने आठ बजे का वक्त है नौ बजे मेरी फ्लाइट थी एयरपोर्ट चला गया फ्लाइट टेक ऑफ की कराची में लैंड किया फ़ोन ऑन किए खान साहब का मैसेज आया बस सवा नौ बजे का पौने आठ बजे बात हुई है सवा नौ बजे के बचे वैन आर यू कमिंग बैक हेलो यार अभी तो मैं लैंड भी नहीं किया कराची के अंदर सो so, वो वो जो प्रेशर है दैट टाइम वे वो बहुत इंटेंस सेक्रीफाइस है तो मुझे तो मैं मर्सिडीज और बी में सफर करता था भाई आजकल मैं सिविक और करोला चलाता हूं ठीक है ना तनख्वाह मेरी क्या थी अच्छा वो भी तनख्वाह खत्म होगी एम एन भी खत्म हो होगी तनख्वाह भी जो ढाई डा, लाख रुपए मिलती थी वो भी नहीं मिल रही सो हमारे लिए कोई सियासत जो है वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मजबूरी नहीं है पेशा नहीं है जिस दिन आ, ये आपको आज़ादी मिल जाएगी कि अच्छा यार आपने अपनी जिंदगी के दस ग्यारह साल निकाले आप जो भी आप कर सकते कॉन्ट्रीब्यूट आपने किया अब आप जाएं आप रिलैक्स करें तो हम तो बहुत खुश होंगे माई लास्ट क्वेश्चन काफ़ी यंगस्टर्स के साथ आपने भी इंटरेक्ट किया स्पेशली पी के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोग आए अगर आप सारों को कोई एक मैसेज देना चाहे सारे लोगों के बहुत ज़्यादा होप्स थी अब आपने देखा कि एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान छोड़ा है और लिटरली बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकल रहे हैं क्या एक मैसेज जो है वो आप यंगस्टर्स को देंगे देखो मैं हमेशा जो मैसेज देता हूँ ये बड़ा मुझसे सवाल पूछा कि मुझे यंगस्टर्स आते हैं एयरपोर्ट पर बाजार में कोई आगे सर कोई एक एडवाइस दें कोई मैसेज को दें हमेशा से मैं जो बोलता रहा हूँ वो मैं बोलता रहा हूँ कि अपने आप पर यकीन करो और अपने मुल्क पर यकीन करो और ये वो वक्त है जहाँ पर सबसे मुश्किल है ये काम करना ये मैं एडमिट कर रहा हूँ मैं मैं आपको बता दूँ मेरी बीवी मुझसे नाराज हो रही है कि तुमने अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब कराई तुमने उनको बाहर नहीं जाने दिया वो जिस दिन उनकी एजुकेशन बाहर कंप्लीट हुई उसके दो दिन बाद वो वापस पाकिस्तान में आए हुए थे ना तुमने को पासपोर्ट लिया ना तुमने उनको बाहर आने दिया ना कोई पैसा बाहर रखा हुआ है तो तुमने तो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा की जब गुस्सा चढ़ता है वैसे उसको पैसे वैसे का शौक है कोई नहीं पाकिस्तान के बाहर वो बिल्कुल रहना नहीं चाहती है फिनल औरत है लेकिन ये आ, इस वक्त जो है ये जब मैं यही एडवाइस आज देता हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है इस नौजवान को यार कि मुल्क को यकीन कैसे करूँ मैं ग्रु में ये, ये। यकीन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मुल्क जाएगा किधर लेकिन उसके बावजूद ख़राब वक्त भी आते हैं इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी आते हैं और अच्छे वक्त भी आते हैं किसी ने बड़ा अच्छा ग्राफिक पर्सन पोज किया हुआ था कि ये तो तो सब बड़ा मशहूर है है like <laughs> ना तो तकलीफ से गुजरेगा लेकिन गुजर जाएगा ये भी इसी तरीके से के अच्छे वक्त भी आते हैं और बुरे वक्त भी आते हैं लेकिन अच्छा वक्त कौन सा था हमारा और दो साल बैक टू बैक छह परसेंट ग्रोथ हुई भी थी मेरी खास तौर पर कनेक्ट पैदा हुआ था यंगस्टर्स के साथ आपको पता है कि मेरा कनेक्शन ज्यादा स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं एक साल के अंदर पाकिस्तान के बाहर के टॉप नॉच इन्वेस्टर्स से जो स्टार्टअप फंडिंग हुई थी वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी ही नहीं हुई थी जितनी सिर्फ एक साल की एक एक्साइटमेंट थी आ, लोग जो है मुझे अब भी परसों लड़का मिला आ, ऐसे पॉजिटिव अभी भी मिलते परसों लड़का मिला मुझे एयरपोर्ट मुझे आया मेरे पास उसने कहा सर मैं आपका शुक्रिया करने के लिए आई एम हेयर टू थैंक यू मैंने कहा जी <laughs> कहता है आपको पता है किस लिए थैंक कर रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ आपकी तरह मैं बाहर काम कर रहा था मैं आपको देख के वापस आया एंड 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 आई बिलीव कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया तो होप अच्छे इसी तरीके से 2002 से 2007 का जो पीरियड था इकानमी बूम कर रही थी ऑप्टिमिज्म था लोग दे फीलिंग गुड मुल्क के बारे में सो आ, और भी पीरियड गुजरे हैं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा रहा है पाकिस्तान में अच्छे वक्त भी आते हैं जिस क्रिकेट टीम अच्छी भी हो जाती है खराब भी हो जाती है तो मुल्कों के भी अच्छे वक्त भी आते हैं बुरे वक्त भी आते हैं हाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी दूसरों का इंतजार ना करें मैं हमेशा जब मैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज़ में मुझे बहुत बुलाते हैं तो अब तो जब से गवर्नमेंट में गया, कम हो गया था पहले मैं ज़्यादा जाता था तो हमेशा मैं ये कहता था कि मेरा ये यकीन है और ये मेरा आज भी यकीन है कि हमारी जो जनरेशन है और हमसे पहली जो जनरेशन है इसने पाकिस्तान को फ़ेल किया लेकिन ये जो आने वाली जनरेशन है न ये ये पाकिस्तान को टर्न करेगी तो आप लोग करेंगे पाकिस्तान को हमारी ऑप्टिमिज्म तो आप से ये से करो कि हमारे जैसे बाबों को देख के इंस्पायर होने की और ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करो बहुत ज्यादा हम आपने. आप हम आपको देख के और इंस्पायर हो रहे हैं और ऑप्टिमिज्म और आ रही है हमारी थैंक यू सो मच योर टाइम थैंक यू